गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर जो हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था उसका सेकंड वाला पार्ट, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा स्टडी कर लिया था, ठीक है। उसके जितने भी टाइप्स थे हम लोगों ने उसके बारे में भी बात कर ली है। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहला पॉइंट ये बाई पेरेंटल होता है, ठीक है। दो पेरेंट्स इसके अंदर चाहिए होते हैं, दैट इज एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होनी चाहिए, एक मेल होना चाहिए जनरली, ओके। और वेदर मैंने आपको एक एक्सेप्शन भी बताया था कि इसमें हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं ऑर्गेनिज़म्स। हर्माफ्रोडाइट मतलब ऐसा ऑर्गेनिज़म, ऐसा एनिमल। बेसिकली जो टर्म है हर्माफ्रोडाइट, ये हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? एनिमल्स के लिए, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों वाले पार्ट हों, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हो। इट इज़ द हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज़म्स जनरली कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स, दैट इज़ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। दोनों टाइप के गैमेट्स बना सकते हैं हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स। बट हम लोग जनरली अभी क्या बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? बाईपेरेंटल होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पे, फ्यूजन होगा, ठीक है, गैमेट्स का। देन जायगोट फॉर्मेशन होगा, और एट लास्ट ये हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ठीक है, और क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है, बहुत धीरे ये चलता है। इसके बाद हम लोग अब जो डिस्कस करने वाले हैं नई चीज़, वो है फेजेस, है ना। इसकी फेजेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। लाइफ साइकिल की फेजेस मैंने जनरल आपको बता दी थी कि एक ऑर्गेनिज्म के पूरे लाइफ साइकिल में, ठीक है, तीन मेजर फेज आती हैं। पहली जो फेज होती है वो जुवेनाइल फेज, सेकंड जो फेज होती है वो रिप्रोडक्टिव फेज, एंड द लास्ट फेज इज सेंसेंट फेज, ठीक है। अब सबसे पहले जुवेनाइल जो फेज होती है, इसको हम लोग, ये ग्रोथ फेज इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इस फेज के अंदर जनरली ऑर्गेनिज्म अपना बॉडी मास गेन करता है, ठीक है, मतलब हम बोल सकते हो मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होकर अपना क्या करता है, ग्रोथ करता है। ऐसा नहीं है कि और फेजेस में वो मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होता, होता है, बट इस वाली फेज में सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिकली प्लांट क्या होता है, एक्टिव होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा जो जुवेनाइल फेज है उसको हम लोग प्लांट्स के केस में बोलते हैं वेजिटेटिव फेज, ठीक है, वेजिटेटिव प्लांट्स के केस में, ठीक है। अब इसके बाद ग्रोथ वाली फेज होगी, वेदर ये प्लांट हो या एनिमल, तो दोनों अपना क्या करेंगे, जुवेनाइल फेज में ग्रोथ करेंगे, अपनी वेजिटेटिव फेज में वो लोग क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। इसके बाद क्या होता है, इस फेज में वो लोग ग्रोथ कर रहे हैं तो रिप्रोडक्शन होता नहीं है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑल्दो मैच्योर हो रहे होते हैं, बट इस टाइम पे रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म। इसके बाद जो सेकंड फेज आती है वो क्या होती है, रिप्रोडक्टिव फेज। अब रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा, रिप्रोडक्शन करता है हर ऑर्गेनिज्म, वेदर वो प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी हो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं। देखिए, रिप्रोडक्टिव फेज में जो भी प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, सबसे पहले तो किसके बेसिस पे, उनका फ्लावर के बेसिस पे, क्यों फ्लावरिंग कितना टाइम करते हैं, एक ईयर में, एक सीजन में, ठीक है, या फिर पूरे लाइफ साइकिल में कितनी बार फ्लावरिंग करते हैं पूरे लाइफ साइकिल में, इसके बेसिस पे हम लोग प्लांट्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक, ठीक है। मोनो मतलब सिंगल, एंड कार्पिक जो वर्ड है वो मेनली हम लोग फ्रूट के लिए यूज़ करते हैं, फ्लावर से ही फ्रूट बनता है, ठीक है। तो क्या होता है, मोनोकार्पिक वो टाइप के प्लांट्स होते हैं जो लाइफ में सिर्फ एक बार, सिंगल टाइम क्या करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं, दे फ्लावर वंस इन अ लाइफ एंड देन डाई। फिर क्या हो जाती है, उनकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है, लाइफ में सिर्फ एक बार वो क्या करते हैं, फ्लावर करते हैं। अब देखिए, ऐसे मोनोकार्पिक जो प्लांट्स होते हैं उनके एग्जाम्पल हैं हमारे पास एनुअल प्लांट्स। अब एनुअल प्लांट होते क्या हैं, एनुअल प्लांट वो होते हैं विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, इन वन सीजन, ठीक है, एक ही सीजन के अंदर ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग जानते हैं वीट एंड राइस, इनका जनरली एक ही सीजन होता है, एक सीजन के अंदर ये पूरा अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देता है, एंड देन अल्टीमेटली डाई, ठीक है, डेथ भी हो जाती है प्लांट की। तो ये क्या कहलाते हैं, एनुअल प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एनुअल, जो अपना पूरा लाइफ साइकिल सिर्फ एक सीजन में कंप्लीट कर देते हैं, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। नेक्स्ट है बायनल। बायनल प्लांट्स क्या होते हैं, ये वो प्लांट्स होते हैं जो अपना लाइफ साइकिल दो सीजन के अंदर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए टू सीजन चाहिए होते हैं, ओके, दो सीजन की जरूरत होती है, दो सीजन के अंदर ही को, दो सीजन को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है फॉर आर कन्वीनियंस,
दैट एक फेज के अंदर, तो एक सीजन के अंदर तो ये क्या करेंगे, वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे एंड एक फेज के अंदर ये रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, एक फेज के अंदर ये क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे एंड एक फेज के अंदर ये वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे, जनरली ऐसा होता है, ठीक है। तो बायनल प्लांट्स कौन कौन से हो गए, रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, कैबेज हो गया, ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल हैं, बायनल प्लांट्स के। जो नेक्स्ट आता है वो, अब देखिए मेनली तो इसका जो एग्जाम्पल होते हैं ना मोनोकार्पिक के, वो आपके होते हैं एनुअल प्लांट्स एंड बायनल प्लांट्स, बट कुछ ओनली फ्यू पेरिनल प्लांट्स भी हम लोग इंक्लूड करते हैं मोनोकार्पिक के अंदर, ठीक है। क्यों, किस बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि वो ऑल्दो उनका लाइफ साइकिल कैसे भी कंप्लीट हो सकता है, जैसे हम लोगों ने बात की एनुअल के अंदर एक सीजन के अंदर लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, बायनल के अंदर दो सीजन के अंदर हो जाएगा। अब पेरिनल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ईयर्स लगते हैं, ठीक है, मेनी ईयर्स के अंदर जो इनका लाइफ साइकिल होता है उसके अंदर खूब सारे ईयर्स, मतलब खूब सारे ईयर्स में अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो ये दोनों तो एग्जांपल होते ही हैं किसके, मोनोकार्पिक के, एनुअल प्लांट्स एंड बायनल प्लांट्स। अब कुछ पेरिएनुअल प्लांट्स भी जो अपना लाइफ साइकिल बहुत सारे ईयर्स में कंप्लीट करते हैं वो भी इसका एग्जांपल होते हैं। अब ऑल्दो अपना लाइफ साइकिल तो बहुत सारे वो ईयर्स के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं, बट फ्लावर एक बार ही करते हैं, ठीक है, उसके बाद डेथ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल बैम्बू, ठीक है, जो 50 to 100 ईयर्स इसका लाइफ साइकिल होता है, इसमें सिर्फ सिंगल टाइम में फ्लावरिंग होती है इसकी, देन प्लांट क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, ओके। जो अब ये तो हमारा पहला एग्जांपल हो गया, जो हमारा दूसरा एग्जांपल और मेन एग्जांपल है दैट इज स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना। इसका जो कॉमन नेम है वो है नीला कुरंजी। अब नीला कुरंजी जो होता है ना वो हम लोग को मेनली कहाँ मिलता है, ये आपको मिलता है हिल्स ऑफ केरला, हिल्स ऑफ केरला इन कर्नाटका, इन तमिलनाडु, ठीक है, इन एरियाज में जनरली ये फ्लावर मिलता है, ठीक है। और इसकी खासियत है ये 12 ईयर्स के अंदर एक बार फ्लावरिंग करता है, ठीक है, और इसके फ्लावर बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, जो इसका नाम डिनोट करता है ब्लू कलर के, नीले कलर के इसके फूल होते हैं। और जब भी ये 12 ईयर्स में एक बार फ्लावरिंग करता है तो बहुत ज़्यादा एक्टिवली फ्लावरिंग करता है, और पूरी जो हिल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, पूरा ब्लू पैचेस बन जाते हैं, ठीक है, ब्लू स्ट्रेचेस बन जाते हैं पूरे के पूरे हिल्स पे, और वो टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, लास्ट टाइम जो नीला कुरंजी है उसने 2018 के अंदर फ्लावरिंग की थी, ध्यान रखिए, और मेनली सेप्टेम्बर या अक्टूबर 10, ठीक है, इसके आसपास ये फ्लावरिंग करता है, जनरली सेप्टेम्बर अक्टूबर 10 के आसपास ये क्या करता है, फ्लावरिंग करता है। तो आपको ये स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, ध्यान रखिए क्वेश्चन आता है, ठीक है, और ये बेम्बू भी आपको याद रखना है। दो एग्जाम्पल किसके याद रखना है, कुछ ऐसे पेरिएनुअल प्लांट्स जो कि मोनोकार्पिक है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है आपके पॉलीकार्पिक, पॉलीकार्पिक नाम से अंडरस्टूड है, पॉलीकार्पिक क्या होंगे, जो फ्लावर करेंगे एवरी ईयर, ठीक है, पॉलीकार्पिक के खूब बार फ्लावरिंग करते हैं अपनी लाइफ साइकिल के अंदर, ठीक है, और सीजन में भी कर सकते हैं, सीजन में एक सीजन में कर लिया दूसरे सीजन में, या फिर कुछ ऐसे होते हैं कोई उनका सीजन नहीं होता, वो हमेशा फ्लावरिंग करते रहते हैं। ऐसों के एग्जाम्पल क्या होंगे, लाइक चाइना रोज, ठीक है, हमेशा, टोमेटो हो गया, हमेशा फ्लावरिंग करता है, ठीक है, तो पॉलीकार्पिक है, उनका कोई सीजन नहीं होता, ध्यान रखना, और पेरिएनुअल भी है वो। अब इसमें आपके मेनली सारे पेरिएनुअल प्लांट्स आएंगे, लाइक पेरिएनुअल कौन से प्लांट्स होंगे, वो सारे प्लांट्स जो अपना लाइफ साइकिल बहुत सारे ईयर्स के अंदर कंप्लीट करते हैं, ठीक है, पपाया, एप्पल, सॉरी एप्पल मैंगो, ठीक है, एप्पल मैंगो आपको पता है कि आप हम लोग एक बार इनको लगा देते हैं तो हम लोग को ऐसे नहीं कि एक सीजन के बाद काटना पड़ जाता है, ठीक है, सेम वाला प्लांट बहुत बार हम लोगों को क्या करता है, फ्रूटिंग या फ्लावरिंग करता है। नेक्स्ट, तो ये सारा का सारा हम लोगों ने पार्ट किसका पढ़ लिया है, प्लांट्स का। तो प्लांट्स के अंदर दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तो ये प्लांट का मेन जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कितनी बार फ्लावरिंग करते हैं, मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक, और एक वो अपना लाइफ साइकिल, ठीक है, अपना जो लाइफ साइकिल है उनका कितना बड़ा है, कितने सीजन का है, इसके बेसिस पे तीन टाइप के हम लोगों ने डिवाइड, एनुअल, बायनल एंड पेरिएनुअल, ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एनिमल्स की, चेंजेस इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर क्या होता है, एनिमल्स को हम लोगों ने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ब्रीडिंग,
ठीक है। ब्रीडिंग मतलब जब वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं तब वो ब्रीडिंग करते हैं, तब वो मेटिंग करते हैं। इसके बेसिस पे हम लोगों ने उनको दो पार्ट में डिवाइड किया है, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स एंड सीजनल ब्रीडर्स। कंटिन्यूअस ब्रीडर्स वो होते हैं जो अपने पूरे रिप्रोडक्टिव फेज में, जितना भी उनका रिप्रोडक्टिव फेज है, उस पूरे रिप्रोडक्टिव फेज में एक्टिव होते हैं रिप्रोडक्टिवली। वो कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लाइक ह्यूमंस, मंकीज। इनको वेट नहीं करना होता कि पर्टिकुलर वो रेनी सीजन आएगा या फिर विंटर्स आएंगे तब हम लोग को रिप्रोडक्शन करना है, नो। जब भी ये रिप्रोडक्टिव फेज में आ गए, पूरी रिप्रोडक्टिव फेज में ये क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। नेक्स्ट है आपका सीजनल ब्रीडर्स, जैसे कि फ्रॉग हो गया, बर्ड्स हो गए, लिजर्ड्स हो गए। ये क्या होते हैं, अपने पूरे रिप्रोडक्टिव फेज में एक्टिव नहीं रहते, अपनी पूरी रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान कुछ सीजन्स होते हैं, स्पेसिफिक सीजन्स, जिनके अंदर ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, हम लोगों ने ब्रीडर्स के एग्जाम्पल पढ़े, हम लोगों ने ब्रीडर्स को क्लासीफाई किया दो मेन टाइप्स में, दैट इज कंटिन्यूस एंड सीजनल ब्रीडर्स। नेक्स्ट हम लोग एनिमल्स को दोबारा से दो पार्ट के अंदर हम लोग क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ उनके अंदर कैसे साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। और आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, ये जो साइक्लिकल चेंजेस हो रहे हैं, जो साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं, ये फीमेल्स के अंदर होते हैं जनरली, ठीक है। बिकॉज उनके अंदर ही हम लोगों ने पढ़ा था 10th के अंदर, हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर, कि उनके अंदर साइकिल्स होते हैं, उनकी ओवरी के अंदर साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। किसके अंदर, एक रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर, जब वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं तो खूब सारे साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। इसके बेसिस पे एनिमल्स की फीमेल को हम लोगों ने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया, उनकी साइकिल्स को। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ईस्ट्रस साइकिल होती है, दूसरे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है। ईस्ट्रस साइकिल जिनके अंदर होती है वो होते हैं जनरली नॉन प्राइमेट्स, ठीक है। नॉन प्राइमेट्स के अंदर क्या होता है, उनकी ओवरी के अंदर ऐसे मतलब ऐसे जनरली ऐसे साइक्लिकल चेंजेस होते हैं जिनके अंदर ब्लीडिंग नहीं होती, आपको ध्यान रखना है ये बात, ठीक है। तो इसके अंदर नो ब्लीडिंग, ब्लीडिंग नहीं होती है यहाँ पे, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम लोग बात करें तो वो प्राइमेट्स के अंदर होती है मेनली, और यहाँ पे ब्लीडिंग होती है। इस साइकिल के अंदर फीमेल्स के अंदर ब्लीडिंग होती है। ये किसका एग्जांपल है, मंकी एंड ह्यूमंस, ठीक है, जो जनरली हम लोग प्राइमेट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। प्राइमेट और नॉन प्राइमेट क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा डिवीजन है। जब हम लोग क्लास 11th में, आपने पढ़ा होगा, जब हम लोग हमारा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं एनिमल का, ठीक है, इवोल्यूशनरी ट्रेंड देखते हैं जब हमारा, तो हम लोग मेजर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं, प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स, ठीक है। तो नॉन प्राइमेट्स के अंदर तो जैसे कैटल्स हो गए, हॉर्स हो गए, डोंकीज हो गए, ये सारी चीज़ें आती हैं, और प्राइमेट्स के अंदर मेनली ह्यूमन एंड मंकीज आते हैं, आपको ये याद रखना है। तो जो प्राइमेट की, प्राइमेट में जो फीमेल्स होती हैं उनकी ओवरीज के अंदर जो भी साइक्लिकल चेंजेस हो रहे हैं उनको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल रहे हैं, और नॉन प्राइमेट के फीमेल्स के अंदर जो भी ओवरी के अंदर साइक्लिकल चेंजेस हो रहे हैं उनको हम लोग ईस्ट्रस साइकिल बोल रहे हैं। ईस्ट्रस साइकिल में कभी भी ब्लीडिंग नहीं होती, यू हैव टू रिमेंबर, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग ऑलवेज आकर, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, हम लोगों ने प्लांट्स के अंदर एंड एनिमल्स के अंदर चेंजेस पढ़ लिए हैं जो कि रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान होते हैं। लास्ट फेज क्या आ गई, पहली फेज हमने जुवेनाइल फेज डिस्कस कर ली, नेक्स्ट फेज हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव फेज डिस्कस कर ली, और लास्ट फेज क्या बचती है हमारी, सेंसेंट फेज। अब सेंसेंट फेज के अंदर क्या होगा, सबसे पहली बात, वो रिप्रोडक्टिवली अनएक्टिव हो जाएगा, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होगा वो फर्दर कोई रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, जनरली बात कर रहे हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा फंक्शनली और स्ट्रक्चरली भी उसका रिट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उसका बॉडी फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली वर्क नहीं कर पाएगा। धीरे 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 हम लोग क्या करते हैं, फंक्शनली वीक होने लग जाते हैं, ठीक है। और भी बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिज्म भी लो हो जाता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है, एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू डेथ, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाती है, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है, ये हम लोगों ने तीनों क्या की हैं, फेजेस डिस्कस की हैं एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये पर्टिकुलर क्या होती हैं, आपकी फेजेस होती हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं फर्दर नेक्स्ट वाली चीज़ें, दैट इज कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या और फर्दर चेंजेस होते हैं, ठीक है।